Hey guys, assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Welcome back to Creative Video Dasma. So guys, आज मैं बहुत ही खूबसूरत से ड्रेस डिज़ाइनिंग के वीडियो लेकर आई हूँ, जिससे आपको समर से रिलेटेड बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइनिंग आइडियाज़ मिल जाएंगे. बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं. सो लेट स्टार्ट टुडेज वीडियो. व्यूज़, क्योंकि वीडियो समर से रिलेटेड है तो आप चाहें तो ये डिज़ाइन विंटर में भी बना सकते हैं. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको स्टफ़ बता दूंगी. ये तमाम लॉन के स्टफ़ हैं. सबसे पहले ट्राउज़र पे नज़र दोहराइएगा. यहाँ पर सबसे नीचे तो लूप्स लगे हुए हैं ना, बराबर बराबर वक्फे में. उससे ऊपर देख सकते हैं आप, सबसे ऊपर तीन पिनटेक्स डले हुए हैं बराबर वक्फे में. उसके बाद चौथे पिनटेक्स की जगह पर सीढ़ी लैस लगी हुई थी, और नीचे जो कपड़ा लगाया है मैंने अलहदा से. मोस्टली अदर ट्राउज़र की लेंथ वगैरह कम हो तो ये तरीका बहुत बेस्ट रहता है और डिज़ाइनिंग भी हो जाती है जी. तो ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग बहुत ही सिंपल थी. सो यहाँ पर इसकी जो शर्ट है वो बहुत ही मज़े की है, बिल्कुल ल्यूपर्ड सा डिज़ाइनिंग है. और आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसकी नेक लाइन मैं आपको दिखाती हूँ. ये नेक लाइन है इसकी, इस पर मैंने मिरर लेस का इस्तेमाल किया है. मिरर लेस के अलावा ये जो ब्लैक कलर की मैंने लेस यूज़ की है, ये ऑर्गेन्जा में बनी हुई थी, बहुत खूबसूरत लगी थी मुझे, सिंपल एंड डिसेंट सी. तो ये बिल्कुल ये टॉप है फ्रॉक स्टाइल में है, ये बिल्कुल फ्रॉक बनाई है. नीचे इसका घेर काफ़ी खुला सा है. और ये जो स्लीव्स हैं, स्लीव्स में भी मैंने आगे लेस ही लगाई है जी. तो इस तरह से स्लीव्स बहुत डिसेंट से लग रहे थे. सबसे आगे मैंने ये ऑर्गेन्जा की लेस बनी हुई थी ये लगाई. आप चाहें तो ऑर्गेन्जा आपके पास गिवन है तो आप उसकी ख़ुद भी बना सकते हैं. उसके बाद मैंने मिरर लेस और ऊपर डोरी का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर टिच बटन से इसको इस तरह से बंद कर देंगे, क्योंकि ये स्लीव्स थोड़े से मैंने फिटिंग में बनाए हैं और बिल्कुल फुल बनाए हैं. आप देख सकते हैं ऊपर से स्लीव्स बिल्कुल मैंने ब्लैक स्टफ में लिए हैं, और आगे पट्टी को मैंने ल्यूपर्ड वाला प्रिंट यूज़ किया है, और उस जोड़ के अंदर मैंने ये खूबसूरत सी लेस लगा दी है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे. अभी मैं आपको फुल शर्ट खोल के दिखाती हूँ. इसका नीचे घेर काफ़ी खुला है, चुनट्स वाली फ्रॉक है, और नीचे घेर में भी मैंने वो ही लेस, इसको आप पाइपिंग भी कह सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सी थी. ये मुझे इसी कलर में मैचिंग में मिल गई थी और ये बहुत अच्छी लग रही थी. सो इस तरह से भी मैं इसको आपको ओवरऑल से लुक दिखा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. छोटी छोटी से चुनट्स ऐड की गई हैं इस तरह से, और नेकलाइन आप करीब से देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी. और नेकलाइन के एंड पे मैंने ये कुछ छोटे से थ्रेड्स लगा दिए हैं, ये रेडीमेड है. सो दिस इज़ द ओवरऑल लुक ऑफ दिस फ्रॉक. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगी. अभी मैं आपको इसकी एक क्लिप भी ऐड कर दूंगी, जिसमें मैं वेयर करके आपको दिखा दूंगी. आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि ये पहनी हुई कैसी लगती है. व्यूज़, ये पहनी हुई कुछ इस तरह की लुक दे रही थी, आप देख सकते हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी. उसके बाद हम आते हैं सेकंड ड्रेस की तरफ. ये भी लॉन का ही स्टफ़ है, और इसकी भी डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी. मैंने ये जस्ट एक शर्ट ली थी, उसके साथ ट्राउज़र ख़ुद से मैच किए थे, क्योंकि ये ब्लैक ट्राउज़र मेरे पास पहले से ही मौजूद था, तो ये इसके साथ मैच हो गया था. प्लेन ट्राउज़र है ये मैंने बिल्कुल रेडीमेड मुझे मिल गया था. इसके नीचे ये खूबसूरत सी लेस लगी हुई है, और ये बेल बॉटम में बना हुआ है. इसके अलावा आप कोई भी ब्लैक ट्राउज़र कैप्री कोई भी यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए शर्ट की तरफ चलते हैं.
इसकी नेक लाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी मैं ओपन करके आपको करीब से दिखा दूँगी। इसकी नेक लाइन की वीडियो मैं ऐड कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो इसकी जो नेक लाइन है, मैं आपको वो बता दूँ कि इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके भी आपको दिखाया है। ये शर्ट जो है ये प्रिंटेड है और इसके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई थी, तो इसकी नेक लाइन को मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। थोड़ा सा ऊपर से वी शेप दी है और बोट गला बनाया है और ऊपर इस तरह से पट्टी बना के टसल्स लगाए हैं। तो इसकी प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ में हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पर मैं ये ड्रेस दिखाते हुए काफ़ी सारे ड्रेसेस जो ऐसे हैं जिनकी मैं प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिए, आपको बहुत से वीडियोस मिल जाएंगी। तो बात करते हैं इसके स्लीव्स की। इसके स्लीव्स भी बहुत ज़्यादा सिंपल थे लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। मैंने जस्ट इसके ऊपर ये ट्राइंगल्स ऐड की हैं और बाजू का ये जो बॉर्डर था इसको मैंने अलहदा से कट करके बीच में सीढ़ी लेस का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो जॉइंट लेसेस भी आजकल काफ़ी चौड़ी चौड़ी भी मिल रही हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस स्लीव्स की भी प्रॉपर वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके दामन की और साइड स्लिट्स की। इसका जो दामन है ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। इसके दामन में मैंने ऑर्गेन्जा टिश्यू का इस्तेमाल किया है और पिंक कलर के शेड में इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने ये खूबसूरत सी मिल्की की थोड़ी छोटी सी लेस लेके ऊपर इस तरह से लगाई है। और इस ऑर्गेन्जा टिश्यू के नीचे आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट करने के लिए इसका साइड बॉर्डर को दिया हुआ था, मैंने उसी को फोल्ड करके ऊपर लगा लिया है। और साइड स्लिट्स में जस्ट मैंने अंदर की तरफ सिंपल ब्लैक कलर की पट्टी ऐड कर दी है। सो यहाँ पर आप इसकी ओवरऑल वीडियो देख सकते हैं, फुल वीडियो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अभी वेयर करके प्रॉपर दिखाऊंगी तो आपको काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगी। आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत यूनिक और खूबसूरत से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। सो ये है फाइनल लुक, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डिसेंट और ख़ूबसूरत से डिज़ाइनिंग लग रही है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। जी तो उसके बाद हम बात करेंगे इस थर्ड ड्रेस की। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और डिसेंट सा कलर था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इसकी डिज़ाइनिंग मैंने बहुत कम की है लेकिन बहुत डिसेंट और काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। सो चलिए इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये है इसकी शर्ट। इसकी शर्ट दिखाने से पहले मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाऊँगी और इसका ट्राउज़र भी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। सबसे पहले इसका मैं आपको दुपट्टा दिखाऊंगी। इसका दुपट्टा बिल्कुल प्योर के स्टफ़ में था, बहुत ही खूबसूरत प्रिंट में था। उसको मैंने खूबसूरती देने के लिए इसके ऊपर ये वाली पलटा पट्टी, आप इसको कह सकते हैं, पाइपिंग कह सकते हैं, लेस कह सकते हैं, आज के लिए बाज़ार में हर डिज़ाइन में आपको अवेलेबल है। इसके नीचे की तरफ इस तरह से पाइपिंग की तरह से पट्टी दी होती है और इस तरह से फिनिशिंग बहुत मज़े की आती है और बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से आप अपने दुपट्टे पे लगा के एक यूनिक लुक दे सकते हैं। तो अब बात करेंगे इसके ट्राउज़र की। ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। यहाँ पे मैं आपको भी ओपन करके दिखाती हूँ, क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ट्रायंगल कटवर्क बना के अंदर ऑर्गेन्जा टिश्यू को अटैच किया है और नीचे उसी तरह से सिंपली मैंने लेस का इस्तेमाल किया है। आप करीब से भी देख सकते हैं और साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा।
जी, तो अब इसकी शर्ट के ऊपर बात करते हैं। इसकी शर्ट का भी कलर बहुत खूबसूरत था, अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं इसका गला डिस्कस करना चाहूँगी। इसका गला प्रिंटेड है, तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से ऊपर से राउंड नेक बना के अंदर की तरफ इस तरह से होल बना दिया है। इसकी प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस नेक लाइन के बाद मैं इसके साइड स्लिट्स और दामन की बात करूंगी। साइड स्लिट्स पे मैंने प्लेन उसी कलर की लेस यूज़ की है, लेकिन जो नीचे मैंने पलटा पट्टी का इस्तेमाल किया है, और इसके घेर में मैंने थोड़ा सा कंट्रास्ट को हाईलाइट करने के लिए ऑरेंज कलर की लेस का इस्तेमाल किया है। अब इसके स्लीव्स की बात करते हैं। इसके स्लीव्स बहुत ज़्यादा डिसेंट थे, आप देख सकते हैं इसके स्लीव्स में कटवर्क हुआ हुआ है और बिल्कुल एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी के ऊपर हुआ हुआ है, बिल्कुल इसके ऊपर चिकनकारी का काम हुआ हुआ है। अब ये पट्टी जो थी इस ड्रेस के साथ गिवन थी, क्योंकि इस ड्रेस के अंदर छोटी छोटी सी चिकनकारी है, तो साथ में ये पट्टी अवेलेबल थी। इस पट्टी को मैंने स्लीव्स पर लगा के इस तरह से खूबसूरती से कटवर्क बना दिया था, और इन कटवर्क्स के अंदर इस तरह से बिल्कुल स्मॉल साइज के तीन तीन पर्ल्स को लगा दिया लाइक दिस। अभी मैं आपको इसकी ओवरऑल लुक दिखा दूंगी और आपको वेयर करके भी इसकी एक डिटेल्ड सी क्लिप दिखा दूंगी, तो आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। तो आप साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना मत भूलिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।